तो भाई ये गाड़ी कैसी लग रही है आप जरूर बताना। तो भाई आज यहाँ लॉन्चिंग थी दो नई इलेक्ट्रिक बाइक की। भाई ये गाड़ी तो नहीं है, उन्हीं का मैं आपको रिव्यू शेयर करने जा रहा हूँ। चलिए भाई उसी गाड़ी को मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास है दो वेरिएंट। तो ये हमारे रिवर्स में आज ही लॉन्च हुई है TVS iQube। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएंट है, टोटल ये तीन वेरिएंट्स में आती है और 7 कलर ऑप्शन रहते हैं इस पे। तो अभी हमारे पास जो वेरिएंट है एक स्टैंडर्ड है और एक S है। आज की इस वीडियो में पूरा कंपेयर करेंगे इन दोनों में क्या अंतर है, प्राइस का कितना अंतर है, क्या फीचर का अंतर है, सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट से। स्टार्ट करते सबसे पहले मैं बता दूं इसके कलर ऑप्शन की। तो आप ये टोटल तीन कलर है हमारे पास। यहाँ पे एक कलर है टाइटेनियम ग्रे, एक मिस्ट ब्लू और एक कॉपर ब्रॉन्ज कलर है। यहाँ पे दिखा दो इधर, एक यहाँ पे है कॉपर ब्रॉन्ज कलर। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी प्राइसिंग से, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं इसका ओवरऑल जो लुक है एक बार आप देख लीजिए दोनों में क्या अंतर आ रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये जो इसका S वेरिएंट है, तो इसका जो वाइजर है आप देख लो फ्रंट में थोड़ा बड़ा है, और जो इसका स्टैंडर्ड वाला वेरिएंट है तो ये देखिए इसका थोड़ा छोटा आ रहा है। बाकी वो फ्रंट से जो लुक आ रहा है सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट में DRS मिल जाएंगे। मैं जला के दिखा देता हूँ एक बार। ये आप देख सकते हो दोनों में ही आपको यू शेप में DRL मिल जाते हैं। पूरा LED लाइट का सेटअप दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो LED लाइट, साइड में आपको इंडिकेटर मिल जाता है, और इस S वेरिएंट में भी सेम आपको LED लाइट एंड साइड में आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे iQube की बैचिंग मिल जाती है, यहाँ पे TVS का लोगो मिल जाएगा, आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। और अगर पीछे की बात करूँ, पीछे की लाइट्स की बात करता हूँ, तो पीछे में भी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको LED लाइट टाइप पूरा सेटअप दिया गया है, यहाँ पे इंडिकेटर दोनों साइड में। बात करूँ इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो दोनों ही गाड़ियों में भाई 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। एंड इसके वेट की अगर बात करते हैं, तो दोनों ही बाइक का जो वेट है 120 kg रहने वाला है। दोनों ही वेरियंट्स में आपको 12 inch के टायर मिल जाएंगे 90x90 सेक्शन के, आगे पीछे दोनों में ही। और फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाता है और रियर में आपको ड्रम दिया गया है, आप देख सकते हो। और पूरा डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ आता है ये दोनों ही वेरियंट्स में, आप देख सकते हो। और यहाँ पीछे में आप देखो ड्रम ब्रेक दिया गया है इसमें भी। और पीछे में एक चीज़ और अच्छी लगती है, जो आप देखो तो यहाँ पे टायर के पास TVS के साथ ये इलेक्ट्रिक की यहाँ पे बैचिंग मिलती है, जो ये ग्लो करती है, जो रात को इसके लुक को थोड़ा इन्हेंस कर देती है। कि आप बताओ इसकी पोजीशन जो है वो सही है कि नहीं है। आप देख सकते हो साइड से कुछ ऐसा लुक आता है गाड़ी का। तो प्राइसिंग की अगर बात करते हैं, जो इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट है वो रीवा में 1,48,000 रुपये है। साथ ही में अगर इस S वाले वेरिएंट की बात करें, तो रीवा में इसका ऑन रोड प्राइस है 1,63,000। यहाँ पे मैं एक बार आपको इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ। दोनों ही गाड़ी में आपको भाई सेम बूट स्पेस मिलने वाला है, ऐसा कुछ इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है। आप यहाँ पे दो हाफ हेलमेट रख सकते हैं। और अगर इसके साइज़ की बात करूँ, तो ये ऑनलाइन हमने देखा ये 17 लीटर का है, और यहाँ कंपनी बोल रही है 33 लीटर का है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी आपको यहाँ पे एक USB पोर्ट भी मिल जाता है मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। और ये गाड़ी का भाई चार्जर है, 600 वाट का यहाँ पे आपको चार्जर मिल जाता है। आपको 3.5 kW की बैटरी मिलती है, और बैटरी और मोटर पर आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। और इसकी अगर की बात करूँ, तो आप देख सकते हो इसमें आपको एक फ्लिप की मिलती है, कुछ ऐसी आपको इसमें फ्लिप की मिलती है, दूसरी जो है नॉर्मल की मिलती है। और फ्लिप की में भी भाई आप देख लो यहाँ पे अगर प्रेस करते हैं, इसमें टॉर्च भी दिया गया है। अभी दोनों में इन द लास्ट कंक्लूजन में आपको अंतर भी बता दूंगा कि क्या अंतर है। ज़्यादा अंतर नहीं है, बस बेसिक 2-3 अंतर ही इस गाड़ी में है, और इसका प्राइसिंग वगैरह का थोड़ा चेंजेस है। मेन बात भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी अगर कोई भी लेता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई भी लेता है, तो सबसे पहला सवाल उसके मन में एक तो प्राइसिंग का रहता है, दूसरा कि रेंज जीती जाएगी गाड़ी। तो मैं बता दूं दोनों ही गाड़ी की जो रेंज है वो सेम ही रखी गई है। प्राइसिंग का बस अंतर है, और साथ ही साथ इसके जो डिस्प्ले हैं वहाँ पे कुछ अंतर आ जाता है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो भाई अगर चार्जिंग स्पीड की बात करें ना, साढ़े चार घंटे में ना ये लगभग 80% चार्ज हो जाती है, एंड इसके बाद अगर फुल चार्जिंग में लगभग 5-5.5 घंटे का टाइम लेती है। तो इसमें भाई दो मोड्स आते हैं, इको एंड पावर। तो अगर आप इको मोड में चलोगे तो कंपनी क्लेम करती है 100 किलोमीटर, नहीं तो अगर पावर मोड में आप चलोगे तो कंपनी क्लेम कर रही है 75-80 जाएगी दोनों ही गाड़ी।
लेकिन जैसा कि कुछ लोग ले भी चुके हैं मेरे फ्रेंड साइकिल में ही, तो उनसे मैंने पूछा तो भाई वो बोल रहे थे कि ये पावर मोड में ये गाड़ी ये जाती है टोटल 55 किलोमीटर एंड इको मोड में ये जाएगी आपकी 75 to 80। बात कर लेते हैं फीचर्स की। डिस्प्ले है भाई, तो इसमें आपको 12.5 सेंटीमीटर का डिस्प्ले मिलता है इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में, एंड इसके एस वाले वेरिएंट में आपको 17 सेंटीमीटर का आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। आपको ये अपर डिपर का स्विच मिल जाता है, इंडिकेटर स्विच मिल जाता है, यहाँ पे एक हॉर्न और यहाँ पे मोड चेंज कर सकते हैं। साथ ही एक फीचर और आता है इसमें कि ये पार्क मोड है, तो इसको दबाने से और एक्सेलेटर अगर आप लेंगे तो गाड़ी पीछे की तरफ जाएगी, ज़्यादा स्पीड नहीं रहती है, बस 2 या 3 की स्पीड ही रहती है। एंड इस बटन से आप इसके हजार लाइट्स को ऑन कर सकते हैं, और हजार लाइट्स ऑन होने के बाद गाड़ी का जो लुक है कुछ ऐसा आता है, दोनों में सेम ही रहता है। एस वेरिएंट की बात करते हैं तो एस वेरिएंट का जो ओवरऑल लुक है हैंडल बार का, तो कुछ ऐसा आ रहा है। यहाँ पे आपको अपर एंड डिपर मिल जाएगा, यहाँ पे आप सारी डिस्प्ले की जो सेटिंग है उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, एंड यहाँ पे आपको इंडिकेटर कंट्रोल मिल जाएंगे, एंड नीचे में ही आपको यहाँ पे हॉर्न का स्विच दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पार्किंग का, यहाँ पे हजार लाइट्स, एंड यहाँ पे मोड चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है आप। तो भाई अब मैं इसका अगर एक डिस्प्ले दिखा दूँ आपको तो कुछ ऐसा लुक आता है। पहले तो ऐसा ही पूरा लुक आएगा, सामने में आपको चार्जिंग कितने परसेंट है और कितनी रेंज आएगी वो सब चीज़ें दिखा देती है, लेकिन गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको नेविगेट भी कर रहा है कैसे करना है, ये आपको लेफ्ट साइड का ब्रेक दबाना है, एंड यहाँ पे आपको इसको स्टैंड भी हटा लेना है आपको, एंड इसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये सारे फीचर्स यहाँ पे दिखेंगे फ़ोन वाले। तो यहाँ पे अगर आप नेविगेशन वगैरह, जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी भी इसमें आ गई है, तो टोटल 112 प्लस इस कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं। इसमें कुछ फीचर्स कम हैं लेकिन उसमें आपको टोटली फुली फीचर्स मिल जाएंगे। इस मोबाइल के जो फीचर्स है वो भाई आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि इसके लिए भाई कनेक्ट करना पड़ता है आप डाउनलोड करके। गाड़ी हमारी यहाँ पे है इको मोड पे, तो पूरा इंटरफेस ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, एंड यहाँ पे नीचे ट्रिप दिख रही है, एवरेज स्पीड दिख रही है आपको, यहाँ पे गाड़ी कितना चल चुकी है वो दिख रही है। 14% बैटरी है, यहाँ पे बैटरी मीटर मिल जाता है, 14% बैटरी है, तो आपकी रेंज जो है 15 किलोमीटर की है। नीचे में यहाँ से अगर मोड को चेंज करते हैं तो आप देखिए पावर मोड में लग गई है, और अब जो रेंज दिखा रही है 11 किलोमीटर हो गई है 14% पे। तो और इसका इंटरफेस जो है थोड़ा अलग आता है क्योंकि भाई ये थोड़ा महंगी भी है ना, और यहाँ पे आप देख सकते हो इको मोड में लगी है ये गाड़ी, तो यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड दिखाएगी, कितना गाड़ी चल चुकी है वो दिखा रहा है, और डिस्टेंस टू एम्प्टी का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो अभी ये गाड़ी 7% चार्ज है तो 8 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। अभी मैं पावर मोड में लगा देता हूँ इसको, ये पावर मोड में लग चुकी है और अब रेंज हो चुकी है 6 किलोमीटर और 7% बैटरी पे। बाकी यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा तो रेडी टू पेयर लिख के दिखा रहा है। यहाँ पे सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे मोबाइल में जो आते हैं इसके, और यहाँ पे टाइम डेट वगैरह सारे फीचर्स आपको दिख जाएंगे, प्लस कनेक्टेड मोबाइल फीचर्स मिलते हैं। तो उसकी लिस्ट अगर हो सकेगी तो मैं डिस्प्ले में आपको साइड में लगा दूंगा। तो भाई ये था पूरा गाड़ी का की पूरी स्टोरी, लेकिन लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ इसमें टोटल जो प्राइसिंग का अंतर आ रहा है क्यों आ रहा है, और इसमें दोनों वेरिएंट्स में क्या कुछ अंतर आपको मिलने वाला है। बाकी तो वीडियो में बता ही चुका हूँ लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ। तो एक बार आप देख सकते हो गाड़ी का लुक का अंतर आ जाता है। पहले तो इसका जो वाइजर है आप देख सकते हो छोटा दिया गया है, एंड इसमें आपको बड़ा वाइजर मिल जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आफ्टर मार्केट भी आदमी करवा सकता है, फिर भी कंपनी ने पता नहीं क्या सोच के ये सब चीज़ें की है। तो पहला अंतर तो ये हो गया भाई। दूसरा अंतर इसका प्राइसिंग का हो जाता है, ये आपको 41 में मिल जाएगी और ये आपको 163 में मिलती है। अगर तीसरे अंतर की बात करते हैं तो जो इसके डिस्प्ले है, यहाँ पे जो डिस्प्ले दिया गया है दोनों गाड़ियों में, तो ये आपको 12.5 इंच का मिलता है, सॉरी 12.5 सेंटीमीटर का मिलता है, एंड ये आपको 17.5 सेंटीमीटर का मिलता है। साथ ही साथ कुछ फीचर्स जो है इसमें ज़्यादा मिल जाते हैं, वही चीज़ इसमें आपको नहीं मिलती है। तो ये थी पूरी वीडियो भाई। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।